Students, how are you all? So this is another video of your chapter tense or tenses. As I have already told you, do not be worried about that tenses are tough. No, it is not. You just need to understand the meaning and the basically tense क्या थे? आपको मैंने बताया verb and verb कब किस time पे हो रहा है. So this is a combination of verb and time. उसको अपन tenses कहेंगे. Tenses are which tells about the action, duration of that action या verb. So I'll be sharing some. Okay, just let me minimize it. I think it is not clear. I'll read it for you. I'll be sharing some charts which will help you in your for better understanding of tenses. But if you just can't just watch videos again and again, that is okay. So that for that you can take pictures of previous classes of your 5th, 6th, 7th, 8th. या अगर आप 7th क्लास में हो तो 6th क्लास की देख सकते हो. इवन 6th क्लास वाला 8th क्लास की भी बुक देख सकता है. बिकॉज टेंसेज आर सेम. चाहे वो 5th में पढ़ोगे, चाहे 6th में पढ़ोगे, 7th में, 8th में, टेंसेज विल बी रिमेनिंग सेम. पॉइंट इज दैट कि ये वाले अगर अपन एक सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उससे अपन को पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है या प्रेजेंट टेंस है, या फिर उनके फॉर्म्स में से कौन सा है कि इनडेफिनेट है और यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस है. वाइल रीडिंग वन सेंटेंस यू विल गेट टू नो. समटाइम्स यू विल सी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कैसे टेंसेस के सेंटेंस यूज़ होते हैं, और यू कैन सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर अपन पढ़ रहे हैं, अगर उसको अपन को जानना है कि वो इंटेरोगेशन कब की है, प्रेजेंट में की है, पास्ट में की है, फ्यूचर में की है, वो कैसे पता चल जाएगा व्हाइल जस्ट रीडिंग इट. ओके, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द रूल्स जो मैंने आपको कल चार्ट दिखाया था. सो लेट्स जस्ट क्विकली सी कि टेंसेस ऑफ थ्री काइंड, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ओके, नाउ व्हाट इज पास्ट टेंस? हैपेंड इन पास्ट. व्हाट हैपेंड इन पास्ट? वर्ब. ओके, या कोई एक्शन हैपेंड इन पास्ट, जो पास्ट में हुआ था. जैसे कि आई एट द एप्पल, मीन्स मैंने एप्पल खाया था. प्रेजेंट टेंस हैपनिंग नाउ, एक्शन विच इज हैपनिंग नाउ. आई ईट द एप्पल. आई एम ईटिंग द एप्पल. बोथ आर इन प्रेजेंट टेंस. ओके, फर्स्ट वाला आप अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस मान सकते हो, आई ईट द एप्पल. नेक्स्ट इज आई एम ईटिंग द एप्पल. ज़रूरी नहीं आप आई एन जी देखोगे तभी आप सोचोगे कि ये प्रेजेंट टेंस है. ओके, फर्स्ट वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी में ही आएगा. नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. एक्शन अगेन या वर्ब, एक्शन या वर्ब. दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, जो कि फ्यूचर में कोई होगा तो कैसे होगा? आई विल ईट द एप्पल. अब यहाँ पे आप देखोगे सेंटेंस जो है ये और ये सेम है, बस इधर क्या है, इसमें विल का यूज़ किया है उन्होंने. आई विल ईट द एप्पल, तो इतने में ही ये फ्यूचर टेंस में बदल गया. स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग दीज पिक्चर्स, ओके, बाय दिस बाय विच आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, आर टेकन फ्रॉम नेट, आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट बुक्स. ये नहीं कहोगे कि मैम ने बुक का पढ़ाया ही नहीं, मैम ने कुछ और पढ़ा दिया. आप अपनी बुक से भी टैली करोगे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, लाइन टू लाइन नहीं है बट अगेन सेम है. यहाँ पे आपकी बुक्स में अलग एग्जाम्पल दिए हैं तो मैं अलग एग्जाम्पल लूँगी, बस इतना सा चेंजेस है, रेस्ट ऑफ इट मीनिंग इज सेम. सो अपन ने देखा था कि वर्ब या एक्शन का टाइम एंड प्लेस बताते हैं. जब भी अपन अपने एक्शन या वर्ब की बात करेंगे तो अपन हर बार वर्ब के जो फॉर्म हैं, ओके, वर्ब की फॉर्म, नॉट टेंस की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे. कैसे? दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म,
सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. ओके फॉर नाउ आप अगर ये लाइन्स को अगर मैं हटा दूँ, आपको सिर्फ ये याद रखने हैं वर्ड्स. ओके अराइज मैं प्रेजेंट में ले लूँगी, अरोज मैं पास्ट टेंस में ले लूँगी, एंड फ्यूचर और यू कैन से पास्ट में भी होने वाली जो अभी भी हो रही होंगी, दैट इज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो दिस वर्ब का जो चार्ट है मैं इसको मिनिमाइज कर लेती हूँ. या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आपकी किसी भी बुक में या नेट पे अवेलेबल होंगे. जब आप टेंसेस पढ़ने लगोगे तो एक आप ये वाला चार्ट अपने सामने रख सकते हो, ठीक है. आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो ब्लैक एंड वाइट, ओके, या फिर अपने स्क्रीनशॉट फ़ोन पे देख सकते हो. नेक्स्ट ये वाला चार्ट, ये मैंने आपको कल समझाया था, ये वाला चार्ट भी आप अपने सामने खोल के रखोगे. क्यों? क्योंकि जो दीज आर द रूल्स, जितनी भी रेड में है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब में कॉमन है, बट माइट बी द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी चेंज्ड एंड द रूल्स विल बी चेंज्ड. ओके फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में परफेक्ट फॉर्म, मींस परफेक्ट पास्ट टेंस में मैं क्या यूज़ कर सकती हूँ, इंटरोगेटिव वर्ड यूज़ करूँगी, हैड होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ओके, एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉमन, ओके, यस. सो अगेन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल सेंड यू दिस वन, दिस चार्ट इन PDF ऑल्सो. ओके यू कैन मेक इट इन योर नोटबुक. सो लेट्स सी नाउ हाउ वी यूज. कल अपन ने रूल्स देख लिए, तो अब आप एक पेज पे रूल्स भी लिख सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब कब यूज़ होगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होगी. वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में, वो भी जब इनडेफिनेट, जब आपका जो एक्शन है वो इनडेफिनेट है, तब यूज़ होगी. वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहीं और लगेगी नहीं. नेक्स्ट है रूल्स, या फिर सिंस कब लगाना है, फॉर कब लगाना है, ये सब आप एक पेज पे लिख सकते हो. सो रूल्स, वी आर रेडी विद द रूल्स. वी विल सी द यूज़ कि हाउ वी यूज़. नाउ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस क्या हुआ, अभी की बात हो रही है. नाउ लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट टेंस. अपन एक अब टेंस लेंगे, जैसे कि 3 टेंसेज हैं, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर. तो फर्स्ट प्रेजेंट टेंस लेंगे, उन प्रेजेंट टेंस में जितनी भी फॉर्म्स हैं, काइंड्स आर प्रेजेंट फ्यूचर एंड पास्ट, एंड फॉर्म्स आर इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. सो 4 फॉर्म्स. तो हर एक टेंस की 4 फॉर्म्स अपन अब लाइन वाइज पढ़ेंगे, ओके, विद एग्जांपल. एक्सक्यूज मी. सो फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस या इनडेफिनेट, इसको आप इनडेफिनेट भी कहोगे, इनडेफिनेट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस. दिस यूज्ड टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ये क्या एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस मीन्स क्या बताता है या क्या दर्शाता है, जो कि अभी चीज़ें हो रही हैं इस मोमेंट पे जो हो रही हैं. लेट्स सी एग्जांपल. सारा सिंग्स अ सॉन्ग. ओके नाउ हियर वी सी, हियर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके और यहाँ पे एस आया है, वर्ब के साथ फॉर्म्स लगेंगी, ओके या ईएस लगेगा. कैसे, अपन ने देखा था सिंपल टेंस में ईएस या ई लगेगा, राइट. सो यहाँ पे आपके सिंटेक्स का रूल भी फॉलो होगा,
कि कहीं पे अगर ई ऑलरेडी है तो वहाँ पे अपन डबल ई एस नहीं लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है सी हाउ इट रेन्स. नेक्स्ट इज टू एक्सप्रेस कस्टम और हैबिट. कल मैंने जैसे आपको एग्जांपल लिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस का किस लिए यूज़ होता है, कि जब मैं अपनी एक हैबिट या कस्टम मींस जो ऑलरेडी जो चीज़ अपन फॉलो करते हैं उनको कस्टम कहते हैं, उनको बताने के लिए मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करूँगी. या आपको इजीली पता होगा, अगर आप सोचोगे कि ये लाइन पढ़ के तो किसी की हैबिट के बारे में पता चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि दिस इज़ इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. लेट्स सी एग्जाम्पल. आई टेक एक्सरसाइज डेली. ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नेक्स्ट है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस लिए यूज़ होता है या इनडेफिनेट कैसे यूज़ होता है. टू एक्सप्रेस द यूनिवर्सल ट्रूथ. यूनिवर्सल मीन्स जो यूनिवर्स का जो ट्रूथ है, अगर वो अगर मुझे बताना है तब उन सेंटेंसेस को भी मैं एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में पुट करूँगी. फर्स्ट इज टू एंड टू मेक फोर, दैट इज़ ट्रूथ. कि टू के अंदर अपन और टू ऐड करेंगे वो आंसर क्या होगा, फोर. नेक्स्ट इज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अगेन इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ. नेक्स्ट है द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू इज एक्सप्रेस द एक्शन गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, लेट्स सी एग्जाम्पल. द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर लेसन. द लीव्स आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड. नेक्स्ट है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट बिगिंस विद इन द पास्ट टाइम एंड कंप्लीटेड एट द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स एक ऐसा एक्शन जो कि शुरू हुआ था पास्ट में और प्रेजेंट में ख़त्म हो गया है. सी हियर, पास्ट में वर्क शुरू हुआ था, बिगेन पास्ट टाइम, कंप्लीटेड प्रेजेंट टाइम. सो दीज आर द कीवर्ड्स. आपको बस ये कीवर्ड्स याद रखने, देन इट इज़ वेरी इजी फॉर अंडरस्टैंडिंग टेंसेज. कि एक ऐसा काम जो पहले स्टार्ट करा था और वो प्रेजेंट में मींस इन दिस मोमेंट इफ इट इज़ कंप्लीटेड पूरा हो चुका है तब अपन उसको कहेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेट्स सी एग्जांपल. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड. द सन हैज़ सेट. द ट्रेन हैज़ अराइव्ड मींस एक्शन कहीं से ट्रेन शुरू हुई थी तभी वो अराइव हुई है, सो द एक्शन इज कंप्लीटेड. फोर्थ इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस shows the action that begins in the past continuing up to the present time. एक ऐसा action जो कि past में शुरू हुआ था and अभी भी हो रहा है, so that would be the present perfect continuous tense. Let's see. And इसमें क्या था example अपन का, इसमें अपन क्या rules use कर रहे थे, have या has का rule अपन देखेंगे इसमें. तो अपन देख रहे हैं कि इसमें has है, yes it is, has and have. एक ये रूल था, verb की first form plus ing. verb की first form क्या थी, read. इसमें first आपको example दे रखा है read, तो अपन read की अगर form देखेंगे तो क्या आ जाएगा, read और plus ing. okay, तो read का जो verb form है ये same रहती है. ठीक है, नेक्स्ट इज वी विल सी फॉर एंड सिंस. अपन इसमें फॉर देख रहे हैं एंड सिंस देख रहे हैं. या आप सोच रहे हो कि मैम अपनी मर्जी से बोल रही है, नो, आई लेट मी शो यू एग्जांपल जो मैंने कल आपको पढ़ाया था. सी दिस वन, कि इसमें एक में हैज हैव भी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी है, फॉर एक एग्जांपल में सिंस भी है. ठीक है, और एक टाइम भी दिया हुआ है. कैसे, लेट्स सी दिस. सी हियर,
टाइम भी आपको सेकंड वाले एग्जांपल में दिया हुआ है, सेंस दी हुई है, हैव दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी देयर. सो सी इट इज़ सो ईजी, जस्ट आपको रिमेंबर करने हैं रूल्स. ओके, एंड पढ़ते समय उन रूल्स को देखो. आप ये हार्डली 6-7 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल ईजली गेट टू नो अबाउट द टेंसेज. लेट्स रीड द एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मीन्स वो पहले 2 घंटे पहले भी पढ़ रहा था और अब भी वो न्यूज़पेपर या कुछ भी रीडिंग कर रहा है. नेक्स्ट इज द प्लेयर हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock. प्लेयर्स 9 बजे से खेलना शुरू है एंड अब भी ये खेल रहे हैं. नेक्स्ट इज पास्ट टेंस. द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट टुक प्लेस इन द पास्ट टाइम. फॉर एग्जाम्पल, द बर्ड फ्लू इन द स्काई, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक. सिंपल पास्ट टेंस. अगेन, जो पास्ट में हो रखी हैं चीज़ें उनके बारे में बताता है. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस. Is used to express an action that began and continuing in the past time, जो कि past में ही शुरू हुई थी और past में ही चल रही हैं. कैसे? I was playing, पुरानी बात हो गई. I was playing when you came. They were running when I saw them. Past में मैंने उनको देखा और past में वो काम हो रहा था. पहले तो मैं अपनी कोई पुरानी स्टोरी बता रही हूँ. जैसे सिंपल अपन स्टोरीज बताते हैं तो आप ये उनको कह सकते हो कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंसेज हैं, कि पुरानी बात तो बता रहे हैं और उस पुराने टाइम में क्या क्या हो रहा था, तो वो दैट इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस. नेक्स्ट है द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन इन द पास्ट दैट हैज़ बीन कम्प्लीटेड बिफोर द अनदर एक्शन इन द पास्ट वॉज स्टार्टेड. अगेन पास्ट की बात होगी बट ऐसा एक्शन जो कि खत्म हो चुका है. लेट्स सी एग्जाम्पल. द रेन हैज स्टॉप्ड बिफोर यू अराइव्ड. आई हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रैंग. नेक्स्ट है द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज द एक्शन दैट हैड कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन टाइम प्रीवियस to the point of the past time. Now again, यहाँ पर आपको कौन से words याद रखने हैं? Here, action जो continue हुआ था certain time के लिए. Okay, here to the past time. Past time से comparison करते हुए एक ऐसा काम जो कि continue हो हुआ था. क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है. द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग हिज पेशेंट सिंस 2004. शी हैड बीन स्टडिंग इन द स्कूल फॉर लास्ट 1 ईयर. सो वील बी सीइंग द वी हैव सीन सॉरी 2 टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड उनके 4 फॉर्म जिनमें रूल्स ऑलमोस्ट सेम हैं. ठीक है, नेक्स्ट वील बी सीइंग द फ्यूचर टेंस विथ 4 फॉर्म. नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर टेंस करेंगे 4 फॉर्म्स के साथ. सो डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ.